मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक, ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं। ईश्वर अपनी सृष्टि से दूरस्त नहीं हैं, दूर नहीं हैं, वे सदैव हमारे साथ हैं। आप मंद पवन को नहीं देखते, परंतु आप जानते हैं कि वह यहाँ है। वह जिसने पवन को यानी कि वायु को तथा हमें बनाया है, वे ठीक यहीं हैं। प्रत्येक बार जब मैं अपने हाथों और पैरों को हिलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यह वे ही हैं जो उन्हें हिला रहे हैं। समस्त सृष्टि उनकी उपस्थिति से कंपित होती है। अन्य कोई वास्तविकता है ही नहीं। यह जीवन एक ब्रह्मांडीय चलचित्र है। ज्यों ही ईश्वर आते हैं, प्रत्येक वस्तु प्रकाश बन जाती है और उनके प्रकाश में नृत्य करती है। यह मुझे दिखाई देता है। जब आप एक चलचित्र देखते हैं और भूल जाते हैं कि यह मनोरंजन है, आप इसके प्रति ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं मानो यह वास्तविक था। परंतु जब आप इसे एक चित्र के रूप में देखते हैं, तो आप पीड़ा, हिंसा और मृत्यु के चित्रण पर दुखी नहीं होते। यह ईश्वर का छाया और प्रकाश का नाटक है। इसने सृष्टि को ऐसा दर्शाया है जैसे यह हमें दिखती है। जब आप इसे अनुभव करते हैं, तो आप इसे एक स्वप्न चलचित्र के रूप में देखते हैं, परंतु आपको धिक्कार है यदि आप इसे अनुभव नहीं करते। आप आहत होंगे और अकेले एवं परित्यक्त अनुभव करेंगे। जाग जाएं और जानें कि ईश्वर आपके साथ है, और जब मृत्यु आती है और आपकी सहायता के लिए कोई नहीं होता, तो स्वयं ईश्वर एवं गुरु वहाँ होंगे। जिन लोगों के पास भौतिक संपत्ति है, बिना ईश्वर की संपत्ति के उनके पास कुछ भी नहीं है। जब वे मरते हैं, तो कोई भौतिक वस्तु अपने साथ नहीं ले जाते, परंतु जिन्होंने सद्गुण विकसित किए हैं, वे सचमुच धनवान हैं, क्योंकि उस कोष को वे कब्र के प्रवेश द्वारों से परे अपने साथ ले जा सकते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं, परंतु वह माया का सबसे बड़ा झूठ है। माया अज्ञान है। ईश्वर मुझे बताते हैं कि एकमात्र मार्ग जिसके लिए हमें अनुकूल बनाया गया है, वह मार्ग है जो उनकी ओर ले जाता है। यही कारण है कि अन्य कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं करता। अतः यह कहना झूठ तर्क है कि अभी आप ईश्वर के लिए तैयार नहीं हैं। प्रत्येक हृदय पीड़ित है, और प्रत्येक व्यक्ति जो पीड़ित है वही तैयार है। एक चौकोर खूंटी एक गोल छिद्र में ठीक नहीं बैठती। इस पृथ्वी की तुलना गोल छिद्र से की जा सकती है, और आपका जीवन चौकोर खूंटी है। किसी दिन आप देखेंगे कि यह चौकोर छिद्र जिसमें आप ठीक बैठते हैं, यही ईश्वर है। आप इस सोच में भ्रमित है कि आपका संबंध आपके परिवार और आपके देश से है। मेरे लिए कोई अमेरिका नहीं और कोई भारत नहीं, सभी देश मेरे हैं क्योंकि वे ईश्वर के हैं। सभी मेरे परिवार हैं क्योंकि वे ईश्वर के हैं। मैंने कदापि किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु को अपने ऊपर एकाधिकार करने की अनुमति नहीं दी। मैंने ईश्वर से कहा, मैं अपना प्रेम किसी को नहीं दूंगा, अपितु सिर्फ आपको दूंगा। मैं इसे उनको नहीं दूंगा जो स्वार्थपूर्ण आसक्ति द्वारा इसे सीमित करेंगे, केवल इसलिए कि वे इसे मांगते हैं, न कि मैं इसे किसी प्राणी अथवा वस्तु को दूंगा।
मैं उस सबसे दूर भाग जाऊंगा जो मेरे प्रेम को बंदी बनाएगा और इसे केवल आपके लिए बचाऊंगा। अपना प्रेम केवल ईश्वर को देकर मैंने इसे सभी को दे दिया है। हतोत्साहित न हो, ईश्वर की ओर मुड़े। जो उन्होंने मुझे बताया उससे श्रेष्ठतर वचन कोई और कैसे हो सकता है। प्रत्येक फुसफुसाहट जो तुम मुझसे कहोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं सब संगठनात्मक कार्यों के उत्तरदायित्व के साथ जो मैंने ले रखे हैं, मैं ऐसा कदापि नहीं सोच सकता कि मैं भीतर में ईश्वर के ऐसे आनंद में रह सकूंगा। यह इसलिए है कि मैंने एक बात कदापि नहीं भूली, मेरा ध्यान। मेरी एकमात्र इच्छा थी ईश्वर के साथ एक होना, अतः मैं सदैव उनसे पूछता था, आप मुझे इतने अधिक कार्य से कब मुक्त कर रहे हैं? अब कार्य हो अथवा न हो, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उनकी कृपा से मैं महानतम आंतरिक स्वतंत्रता एवं परम आनंद का आनंद ले रहा हूँ। आदतों के स्पर्श सूत्र तंतुओं को काट फेंके और मन रूपी उस अष्टपदीय समुद्र जीव ऑक्टोपस को मार दें जो कहता है यह नहीं किया जा सकता। यही कहें यह किया जा सकता है और फिर इसे करें, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाएं, प्रतिदिन स्वयं को बदलें, अपने समस्त उत्तरदायित्वों को के अभिभूत न हों, अपने कर्मों में फंस न जाएं। जीवन इसलिए दिया गया था कि हम शाश्वत जीवन की खोज कर सकें। शांति इसलिए दी थी कि हम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकें। इच्छा सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रयोग करने को नहीं दी गई थी, परंतु इसलिए कि अनंत के लिए हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो सके। यदि आप केवल थोड़ा और विलंबीय रूप से खोजेंगे, बिना रुके ईश्वर को खोजेंगे, तो आप उन्हें पा लेंगे, इसमें संदेह न करें। मेरे अमेरिका आने से पहले एक दिन मैंने ईश्वर से तब तक बारंबार प्रार्थना की जब तक मैंने यह अनुभव नहीं किया कि मेरा मस्तिष्क फट जाएगा। मैंने उनसे रो रो कर कहा, मैं नहीं जानता कि अमेरिका में मेरी क्या प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु यदि कोई भी वस्तु मुझे आपसे दूर ले जाती है तो मैं जीना नहीं चाहता। मुझे एक संकेत दें कि यह ठीक रहेगा। सहसा द्वार पर उसी समय एक खटखटाहट सुनी। मैंने इसे खोला और वहाँ एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा, ईश्वर मुझे तुम्हें बताने को कहते हैं, अपने गुरु के आदेशों का पालन करो और अमेरिका चले जाओ। डरो मत, तुम्हारी रक्षा की जाएगी। जब उन्होंने देखा कि मैं उनके साथ जाना चाहता था तो उन्होंने कहा, मेरे पीछे आने का प्रयास मत करना। मैंने प्रयास किया, परंतु मैंने पाया मेरे पांव नहीं हिले और वे थे स्वयं महावतार बाबा जी। अमेरिका में उन संत के शब्द सत्य सिद्ध हुए। मैंने ईश्वर से अधिक किसी वस्तु से प्रेम नहीं किया और उस निष्ठा के कारण वे मेरे साथ रह रहे हैं। एक रात बोस्टन में एक शहर में एक गहन गतिविधि के अवधि के बीच मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं भाग जाना चाहता हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर रखी गई सभी मांगों के बीच मैं उन्हें खो बैठूं। परंतु ईश्वर ने मुझसे कहा, अपने कार्य पर लगे रहो, वास्तव में तुम इसे मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम व्यस्त होते हो तुम हर समय स्वयं को बता रहे होते हो कि यदि तुम मेरे साथ नहीं हो तो अपना समय नष्ट कर रहे हो, परंतु तुम मेरे साथ हो। उसके पश्चात मैं 7 महीनों तक समाधि में रहा। सब कुछ ठीक वैसे चलता रहा, परंतु मैं ईश्वर की समाधि में था। एक भयानक पीड़ा आती है जब आप अनुभव करते हैं कि वे चले गए हैं। उस करोड़पति की वेदना से भी कहीं अधिक बुरी जो अचानक पाता है कि अब प्रत्येक पैसे को
जो उसने उसके पास था गंवा चुका है। जय गुरु जी।